हेलो, माय ऑल लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रेन, आज क्लास 5 का कंप्यूटर का क्लास है, चैप्टर फर्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर का नाम क्या है आपके? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लास 5 की क्लास है ये, ठीक है, कंप्यूटर की। चलिए देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा रिवीजन उसका कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट से अपने क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो बनी थी उनके बारे में हमने जाना था। उसमें सबसे पहले था अबेकस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेपियर बॉन्ड्स के बारे में जाना था, पास्कलाइन, ये इसके बारे में जाना था। लेविनस कैलकुलेटर पढ़ा था हमने, जैकवाट लूम, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से इसी के निर्माण के बाद चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। किसके निर्माण के बाद? डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद हमने देखा एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, है ना, एनियक एंड यूनिवेक। एनियक भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और उसके बाद यूनिवेक पढ़ा था हमने, ये भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कॉमर्सली अवेलेबल ये पहला कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आज हम कुछ न्यू पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सेंस यहाँ पे क्या हो गया? स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना तब इतना परफेक्ट नहीं था जैसे आज है। इतना परफेक्ट छोटे से छोटा लैपटॉप हो गया, पॉमटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। पहले जब स्टार्टिंग में बना था तो बहुत सारी कमियां होती हैं, तो कमियां स्टेप बाय स्टेप सही होती है, तो एक के बाद एक जनरेशन होता जाता है। वो जनरेशन में पीछे की जो चीज़ें कन्वर्ट होती जाती हैं, होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, सिस्टम अपडेट होता रहता है, तो एक जनरेशन बनता चला जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड। आज जो प्रेजेंट डे है, जो आज के टाइम में जो कंप्यूटर है, वो लगातार इसमें जो विकास हुआ है इसके फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में जो लगातार विकास हुआ है उसका रिजल्ट है, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओवर द पीरियड। इट हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ साइज एंड कॉस्ट एंड इंक्रीज इन स्पीड, स्टोरेज एंड कन्वीनियंस। लेट अस डिस्कस द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर के जनरेशन में जो पूरा कंप्यूटर का पूरा पीरियड था, उसमें उसके साइज में कितना रिडक्शन, साइज कितनी उसकी कम हुई, उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, उसकी कॉस्ट कम हुई पहले से, ठीक है। और स्टोरेज पहले कितना था, अभी कितना है, कंप्यूटर पहले कितना पहले क्या था, अभी कितना इजी है लेके जाना कहीं भी, ठीक है। इसका यूज़, सारी चीज़ें और क्या क्या चेंजेस आए ऑल ओवर जो पीरियड था कंप्यूटर का, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और 5 जनरेशन इस चैप्टर आप देखेंगे कंप्यूटर की, 5 जनरेशन, ठीक है, उसके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका जो पीरियड है इसे आप ध्यान रख लीजिए, 1940 to 1956, यानी 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है आपका, ठीक है। क्या है? 1940 to 1956, ठीक है। आइए जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या खासियत थी, क्या था, है ना, सब कुछ डिटेल। द कंप्यूटर डेवलप्ड बिटवीन 1940 to 1956 आर रिफर्ड एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर डेवलप किए गए 1940 से 1956 के बीच में, उसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कह सकते हैं आप हिंदी में। कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर में, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था और मैग्नेटिक ड्रम्स का, ठीक है।
दे वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स एंड ये मैग्नेटिक जो ड्रम होता था वो बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही खर्चीला होता था, बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। दे यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है होती थी वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, मतलब इसको ऑपरेट करने में, इसको चलाने में, इस पर वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। और ये बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता था, बहुत ज़्यादा हीट इससे उत्पन्न होती थी। ठीक है, ओनली वन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाई द एट अ टाइम। और इसमें एक ये भी था कि एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, जैसे आजकल मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर हो गया ना, उस टाइम एक टाइम आप कई सारे काम कर सकते हो। लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। इसमें एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल ENIAC एंड UNIVAC, ये है इसका एग्जांपल। यानी ENIAC एंड UNIVAC फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, समझ आया आप लोग को? फर्स्ट जनरेशन में देखो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड पूछ लेता है, जो कि होता है 1940 to 1956, से आप ध्यान रख लो। और क्या चेंजेस है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिंग ड्रम्स इसका यूज़ होता था। दूसरा क्वेश्चन, किसका यूज़ होता था, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। क्या कंपेयर दे देता है, फर्स्ट सेकंड जनरेशन दे देगा, कंपैरिजन दे देगा कि इस जनरेशन में क्या था उसमें क्या नहीं था। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल भी कभी कभी आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन सा है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, ENIAC एंड UNIVAC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसका जो पीरियड है यानी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1956 से 1963 तक। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसका वो किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे। आगे देखते हैं, इट मीन्स द ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स दैट वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है, हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे है ना कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। जो ट्रांजिस्टर हैं वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे यूज़ किए गए। प्रथम श्रेणी कंप्यूटर में यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, उसकी जगह पे सेकंड जनरेशन जब आई तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से। दैट वर यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ही स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे साइज में थे वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में। यानी वैक्यूम ट्यूब की जो साइज थी वो लार्ज थी, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या है, बहुत ही छोटे साइज में। यहाँ भी देखिए फिगर भी दिया हुआ है ट्रांजिस्टर का, है ना। और इसके पहले प्रथम श्रेणी कंप्यूटर में देखिए वैक्यूम ट्यूब, है ना डिफरेंस। चलिए देखते हैं साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस नहीं मतलब ट्रांजिस्टर और वैक्यूम की साइज डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग बिकम ईजियर विद दीज कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग ज़्यादा ईजी हो गई इन कंप्यूटर्स में, यानी फर्स्ट प्रथम श्रेणी का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकेंड में जो प्रोग्रामिंग करना था वो ईजी हो गया था। एग्जाम्पल में क्या है, सेकेंड जनरेशन में IBM 704, IBM 1401, हनीवेल एटसेट्रा। ये जो तीन है एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, इसमें आपको कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि इस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, और इसका जो टाइम पीरियड था, वो 1956 से 1963 था। किसका, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है, और थर्ड इसका एग्जांपल क्या है, IBM 704, IBM 1401 एंड हनीवेल। ये तीन पॉइंट आपको कंपिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अब जानते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ज़्यादा तो नहीं हो गया,
कोई बात नहीं, एक जनरेशन और पढ़ लेंगे, फिर बाकी की जनरेशन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? तो एक जनरेशन और जान लेते हैं। ट्रांजिस्टर वरी सॉरी थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? 1964 to 1971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1964 to 1971, ठीक है? ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया आईसी से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से। सेकंड में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट से। एक चिप होती है आईसी चिप भी जिसे कहते हैं, ठीक है? ये है फिगर, देख लीजिए आप लोग को, ये है आपकी आईसी चिप। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आईसी इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इट। आईसी क्या है, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो जिसमें मिलियंस ऑफ इसकी जो क्षमता होती है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बराबर होती है, जो आईसी होती है, ठीक है। स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर्स वर इंक्रीज्ड, इसकी वजह से स्पीड और इफिशियंसी भी कंप्यूटर की इंक्रीज्ड हो गई, ठीक है। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वॉज इंक्रीज्ड, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई थर्ड में आईसी की वजह से, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक साथ हो सक, इस छोटी सी डिवाइस की जो क्षमता थी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर थी आईसी चिप की, ठीक है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड इफिशियंसी भी बढ़ी और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी थी, ठीक है। चलो एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आईबीएम 360, सिस्टम 360, एप्पल वन एटसेट्रा, ये जो है आपका एग्जांपल है। आईबीएम 360, सिस्टम 360, कितना इजी एग्जांपल है, याद रखना आप लोग। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ आईसी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है वन डे एग्ज़ाम में कि आईसी चिप का यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था, तो आंसर होगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन में, और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। और थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1971 था, ठीक है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करूंगी, इसके बाद फोर्थ फिफ्थ जनरेशन और पूरा टाइम पीरियड एक साथ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, डेट याद रखिएगा बच्चों एंड फ्रेंड्स, हम सब हर कोई, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1940 to 1956, 1940 से 1956, ठीक है। और इसमें यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स, एग्जांपल इनियक एंड यूनिवैक। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तृतीय श्रेणी का जो कंप्यूटर है उसका टाइम पीरियड है 1956 to 1963, 1956 से 1963, ठीक है। और इसमें यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर, और इसका जो एग्जांपल है वो आईबीएम 704, आईबीएम 1401 हनीवेल, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1964 to 1971, 1964 से 1971, ठीक है। और इसमें यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, आईसी का, ठीक है। और इसका एग्जांपल था आईबीएम 360, सिस्टम 360, पल्फस एटसेट्रा, ठीक है। आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोग को समझ में आती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे और ज़्यादा हार्डवर्क करने, यहाँ से मुझे और ज़्यादा हार्डवर्क करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है।
मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाऊँ, और अगर कहीं आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।